श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज हनुमान जयंती है और आज के दिन मैंने सोचा एक अच्छी साधना आप लोगों को दूँ जिससे आप लोग सुरक्षित भी रहें और आपके विरोधियों का नाश भी हो। बजरंग बली हनुमान मारुति नंदन ये जो भी आप नाम बोल लीजिए, लेकिन सत्य ये है कि हनुमान जी का कभी नाम नहीं रखा गया। जो अलग अलग रामायण में प्रसंग आए उसके हिसाब से ही उनके नाम को बताया गया। तो बजरंगबली हनुमान जी एक विश्वास है, विश्वास भक्त का भगवान पर। आपने वो मारवाड़ियों का भजन है, बजरंग बाला जपुधारी माला राम दूत हनुमान भरोसो भारी है। तो वो भक्त और भगवान की शक्ति को हनुमान जी दर्शाते हैं और उस विश्वास के आगे कैसा भी तंत्र पर तंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत नहीं टिक पाता। तो आज रात से शुरू हो करके अगले 7 दिन तक एक चलने वाली साधना आपको बताता हूँ। साधना में आवश्यक क्या होगा? साधना में आवश्यक होगा एक हकीक की माला। आपके पास पुरानी हकीक की माला हो तो वो भी चलेगा और आप वस्त्र काले पहनेंगे। इसके लिए आज से इस साधना को शुरू करेंगे और 7 दिन तक रेगुलर इस साधना को करेंगे। रात्रि में बैठिएगा और 7 माला जाप करिएगा। उसके बाद 8वें दिन सिर्फ इतना करना है कि सुबह उठते के साथ पहला काम ये होगा कि ज़मीन में एक गड्ढा खोद के जिस माला से आप जाप कर रहे हैं उस माला को ज़मीन में गाड़ दीजिएगा और इतना अंदर गाड़िएगा कि उसको कोई जानवर निकाल ना पाए। मंत्र क्या है इस साधना का? जो मंत्र है वो अभी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर भी आ रहा है। हनुमान पहलवान 12 बरस का जवान, मुख में बीरा हाथ में कमान, लोहे की लाट वज्र का कीला, जहाँ बैठे तहाँ हनुमान हठीला। बाल रे बाल रखो शीश रे शीश, राखो आगे जोगनी राखो पीछे नरसिंह। राखो जो कोई छल करे कपट करे, तिनकी बुद्धिमती बांधो दुहाई, हनुमान वीर की शब्द साचा, पिंड काचा फूरो मंत्र ईश्वर वाचा। जैसे ही आपने ये ईश्वर वाचा बोला इसका मतलब है कि ये एक सिद्ध मंत्र है, ठीक है। ये रोज आप 7 माला करोगे आज रात्रि से 7 दिन तक और 7वें दिन उस माला को आप ज़मीन में गाड़ दोगे। जो नियम है कि हनुमान जी का पंच पूजा करना है, मतलब उनके नाम से दीपक जलाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे अगर पुष्प मिल रहा है तो, धूप दिखाएंगे, अगरू चढ़ाएंगे, अगरू नहीं है तो इत्र चढ़ाएंगे, उसके बाद कुछ द्रव्य चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, ये तो साधना का नॉर्मल विधान है। इसको करके आप मंत्र जाप करें। अच्छा, इस साधना में कोई भी दिशा का बंधन नहीं है, तो आपके पूजा घर में जिस भी दिशा में आप बैठते हैं उस दिशा में इसकी साधना करेंगे। एक विषय और, अगर इसका आपने संकल्प कर लिया तो
पूरा सात माला आपको हर रात्रि जाप करना होगा, और सातवें दिन के बाद इसका माला जाप आपको नहीं करना है। जब आपको लगे कि आप पे कोई शत्रु बाधा आ रही है या आप पे कोई तंत्र या परतंत्र किया गया है, उस समय सिर्फ सात बार इस मंत्र को जाप करके और उसके बाद अपने शरीर पे तीन बार और सारे दिशाओं में एक एक फूंक मारना है। इतना करने से ये मंत्र रीएक्टिवेट हो जाता है और कुछ भी आपके आसपास होगा उसको निरस्त कर देता है। हनुमान जी क्योंकि शिव के रूप हैं और जो मंत्र आप करने वाले हैं वो काफ़ी उग्र हैं, इसमें हकीक की माला का प्रयोग हमने इसलिए करवाया है क्योंकि आपको पहले भी बताया था कि क्रिस्टल की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे रुद्राक्ष में होती है, कि उसमें एनर्जी यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। तो रुद्राक्ष का माला क्यों नहीं हम लोग आपको सजेस्ट कर रहे हैं? रुद्राक्ष इसलिए नहीं सजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जब साधना हो जाएगी और आप इसको ज़मीन में गाड़ोगे तो हकीक की माला कभी डिकम्पोज नहीं होगी, उसमें जो शक्ति है वो शक्ति उसमें हमेशा रहेगी। और कोशिश करना है कि इस माला को अपने घर के प्रांगण में ही गाड़ें। लेकिन अगर आप रुद्राक्ष की माला को डालते हैं तो क्योंकि वो प्लांट प्रोडक्ट है वो कुछ दिन में डिकम्पोज हो जाएगा, तो वो नहीं होने देना है, इसीलिए इसमें हकीक की माला का प्रयोग करेंगे। आज के लिए इतना ही। हनुमान जी की कई एक साधनाएं हैं, मसानी साधना आप लोगों को पहले दी भी है, लेकिन नाम ना रहते हुए भी हनुमान एक ऐसा नाम है कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में फंसे तो सिर्फ इनके नाम को लेने से आपकी जो भी दुविधा है, जो भी तंत्र मंत्र है, वो दूर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे बेसिक पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। जिनको अपॉइंटमेंट लेना है www.aghortantrahasya.xyz मेरा वेबसाइट है, उस पर अपॉइंटमेंट लिंक है। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर ऐप स्टोर से, उसमें rudranath@cm4 आप टाइप करेंगे, सर्च करेंगे तो मेरा प्रोफाइल आएगा, आप मुझसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। महाकाल और हनुमान जी आप लोगों पर प्रसन्न हो ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश कलाक आदेश।